मानी रही। मेरे भाइयों बात मुख्तसर करूंगी, टाइम बहुत शॉर्ट है। आज हम यहाँ जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, आप सब नौजवान भी जानते हैं, मेरे बुजुर्ग मेरे बाप भी जानते हैं, और आज आपकी बहन आपके दरमियान मौजूद है, जिस वजह से कि आए हम इंसाफ दिलवाएं उन लोगों को जिनके साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं। अर्शद मंडा साहब आज यहाँ मौजूद नहीं, मैं उनकी जगह लीड कर रही हूँ, इस वजह से कि उन पर गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हुई है और एक पर्चा किया गया एंटी करप्शन का, फिर झूठा बेवजह, फिर बरी हुए, फिर दूसरे दिन बरी हुए, फिर दूसरा पर्चा हुआ, फिर तीसरे दिन बरी हुए, फिर एक पर्चा हुआ। ये मेरा गांव है, जे इस मीटिंग का इनकार मेरे जिस भाई ने किया है, मैं आप सब लोगों की दिल से मशकूर हूँ, अपने उस भाई साहब की दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी इस मुलाकात को मुमकिन बनाया है। तो मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, एक ज्यादती तो अर्शद मंडा साहब के साथ हुई, इसके लिए हमने जीत को मुमकिन बनाना है। एक हमारे कौमी लीडर जो सलाहों के पीछे बंद हैं, उनके लिए हमने इस जीत को मुमकिन बनाना है। मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, नौजवान नस्लों, आप लोगों ने अपनी नौजवान नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी आगे आने वाली नस्लों के लिए इस काविश में हमारा साथ देना है। आप सब मेरा साथ देंगे, जब अपने माए साथ खड़ी हों तो जद्दोजहद और कामयाब हो जाती है। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप सब लोग भी अपनी बीवियां बहनें माओं को साथ लेकर चलें, 8 फरवरी को उनका वोट दिलवाकर इस जीत में हमारा साथ लें और पाकिस्तान को इन लोगों से आजाद करवाएं। ये जो यजीदी हैं, ये जगह जगह घात लगाए बैठे हैं, आए इस जुल्म और सितम के पहाड़ को तोड़ दें। मेरे साथ हैं मेरे भाई, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जब बहनें अपने भाइयों की चौखट पर आती हैं तो उनको खाली हाथ नहीं लुटाया जाता। आपके नारों से मुझे पता चलेगा आपका साथ कितना है। इमरान खान, इमरान खान, अर्शद मंडा साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, आप सब ने कमल का निशान, जो कमल के फूल का निशान है, जो सबस पर्ची पर है, सबको समझाना है, खासतौर पर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको बताना है, ताकि हम मुखालफीन की साजिशों को नाकाम करें। और मेरे भाई विरक साहब का जो निशान है, टाइम मशीन है, इनका जो निशान सफेद पर्ची पर है, तो आपने इस जंग के मैदान में हमारे साथ चलना है। ये एक जंग का मैदान है, ये एक इलेक्शन नहीं है। आए हम सब मिलकर चलें और 8 फरवरी को इस गुलामी से अपने आप को आजाद करवाएं। ये मेरी जो पढ़ी लिखी बहनें और भाई हैं, ये शबाशिर साहब जो लैपटॉप बांट देते हैं, पता चला कि चाइना से 30,000 का लैपटॉप और मुल्की खजाने से 1,00,000 की मालियत का काउंट करवाया गया। आप देखें कि 3 गुना प्रॉफिट उनके पास गया। तो ये अवाम का पैसा ही खाते हैं। तो मेरे भाइयों, आए हम अपना जो हक है वो इनसे लें, इस गुलामी से खुद को आजाद करवाएं, पढ़े लिखे लोगों को, बाशऊर इंसानों को आगे लेकर आएं। भाई वीरक जैसे, अर्शद मंडा जैसे जो पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको आगे लाएं, क्योंकि जिन कौमों के लीडर पढ़े लिखे होते हैं उनकी नस्लें भी आगे पढ़ी लिखी होती हैं, और आप लोगों की नस्लें भी आगे पढ़ी लिखी होंगी। अपनी बहन को इजाजत दे, बहुत शुक्रिया। मैं